Recording mı ben? तो हम लोगों का जो पिछला क्लास था उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में पिग मिग वेल्डिंग के बारे में पढ़ चुके थे और आज का जो क्लास है उसमें हम लोग बात करेंगे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के बारे में। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग एंड प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग आज का दो टॉपिक है। दोनों टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे विद डायग्राम। उम्मीद है आप सभी को कंसेप्ट क्लियर आएगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, तो बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी दोनों से क्वेश्चन पूछ देता है। तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, चलिए फर्स्ट जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ते हैं। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग होता क्या है? जनरली इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म SAW से जानते हैं। S फॉर सबमर्ज, A फॉर आर्क और W फॉर वेल्डिंग। सो व्हाट इज सबमर्ज आर्क वेल्डिंग? तो यहाँ पर देखिए आर्क आ रहा है, एक आर्क टर्म आ रहा, तो यह क्या है, एक आर्क वेल्डिंग का टाइप हो सकता है। तो दिस इज आर्क टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग। तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग क्या है? एक इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का टाइप्स है। तो इट इज ए मेथड इन विच हीट रिक्वायर्ड टू फ्यूज द मेटल, मतलब मेटल को फ्यूज करेगा, चूंकि वेल्डिंग करने के लिए मेटल को फ्यूज होना जरूरी है, तो इसमें हीट की जरूरत होती है मेटल को फ्यूज करने में, जो जनरेट होता है किसके थ्रू, तो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जनरेट होगा, क्योंकि आर्क है तो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ही जनरेट होगा। तो जनरेटेड एंड एन जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक बाय एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। जो इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच, तो वहां पर एक इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होगा और उस आर्क का हम लोग यूज करते हैं इसमें सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में। तो सबमर्ज क्या हुआ? तो सबमर्ज हम लोग एक लूज ग्रेनुलर फ्लक्स, तो जो आर्क होगा वो आर्क को सबमर्ज होगा, मतलब वह इन्वॉल्व होगा, डूबा हुआ रहेगा किसमें, लूज ग्रेनुलर फ्लक्स। फ्लक्स आप जानते हैं, फ्लक्स एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है, केमिकल रिएजेंट होता है, जिसका काम होता है जहां वेल्ड हो रहा है वहां पर शील्डिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि जो इन्वायरमेंट का नाइट्रोजन ऑक्सीजन है वहां से उस जो वेल्ड पार्ट है उसको, वहां पर वेल्ड पूल है उसको, उससे प्रोटेक्ट करवाना, ठीक है। तो वहां पर जो ग्रेनुलर फ्लक्स होगा उसमें सबमर्ज होगा कौन, इलेक्ट्रिक आर्क। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग क्या हुआ, तो जो आपका आर्क होगा वह सबमर्ज रहेगा इसमें लूज ग्रेनुलर फ्लक्स के बीच। तो इसका हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल जानते हैं क्या होता है, कैसे वे काम करता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल में द मोल्टेन वेल्ड, जो मोल्टेन वेल्ड होगा एंड द आर्क जोन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन बाय बीइंग सबमर्ज अंडर ए ब्लैंकेट ऑफ ग्रेनुलर फ्यूजिबल फ्लक्स। तो ग्रेनुलर फ्यूजिबल फ्लक्स जो होगा वह प्रोटेक्ट करेगा जो एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन होगा उसको। तो ये कहां पर प्रोटेक्ट करेगा, तो जो वेल्ड जोन होगा वहां पर, वहां पर किससे प्रोटेक्ट करेगा, तो एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन में क्या क्या आ सकता है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये क्या करेगा कि वह वेल्डिंग पार्ट में क्या करेगा, ऑक्साइड बना देता है, जो जो आपका वेल्डिंग में वो ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक ग्रेनुलर फ्यूजिबल फ्लक्स का यूज करते हैं। तो ये ग्रेनुलर फ्यूजिबल फ्लक्स में ही सबमर्ज आर्क जो होता है वो आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क वो सबमर्ज होता है। तो दिस इज ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट क्या है, जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स किस तरह का होता है, जो आखिर फ्लक्स है ग्रेनुलर फ्लक्स वो किस तरह का होता है? तो वो हो सकता है लाइम, सिलिका, मैग्नीज ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड एंड अदर कंपाउंड। तो इस तरह के हम लोग जो केमिकल कंपाउंड है उसको एज ए
फ्लक्स यूज करते हैं, ठीक है, इसमें सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में। तो व्हेन मोल्टेन मेटल द फ्लक्स बिकम्स कंडक्टिव, फ्लक्स क्या हो जाता है, कंडक्टिव हो जाता है, विद्युत का चालक हो जाता है, उसमें आप इलेक्ट्रिक प्रभावित कर सकते हैं, एंड प्रोवाइड ए करेंट पाथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। अब जो आपका फ्लक्स है वो भी आप क्या हो गया, एक कंडक्टिव पाथ प्रोवाइड कर दिया, एक कंडक्टिव आपका पाथ प्रोवाइड किया जिसके थ्रू आपका जो है करंट फ्लो कर रहा है। तो आप करंट फ्लो कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, तो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस मैंने जिसमें आप वेल्ड कर रहे हैं वहां पर। तो इस तरह से क्या हो गया कि वो जो फ्लक्स है वह फ्लक्स सबमर्ज है किसमें, वेल्डिंग प्रक्रिया में जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसमें आपका वो सबमर्ज है, डूबा हुआ है उसमें। दिस थिक लेयर ऑफ फ्लक्स कंप्लीटली कवर द मोल्टेन मेटल। अब वो जो थिक लेयर हो गया, थिक लेयर किसका बनेगा, तो जो फ्लक्स हो गया, फ्लक्स में आप देखेंगे केमिकल कंपाउंड में आपका लाइम सिलिका मैग्नीज ऑक्साइड कैल्शियम फ्लोराइड इस तरह का आया, तो ये एक थिक लेयर प्रोवाइड करेगा। तो दिस थिक लेयर ऑफ फ्लक्स कंप्लीटली कवर द मोल्टेन मेटल thus preventing a spatter and the spark as well the suppressing the intense ultraviolet radiation। जो आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वेल्डिंग के दौरान उत्पन्न होता है उसको सप्रेसिंग करने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसको प्रोड्यूस नहीं करने के लिए ये हमारा जो थिक लेयर है जो फ्लक्स के कारण हम लोग को मिलता है, प्रोड्यूस होता है, वो हेल्प करता है ताकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ना प्रोड्यूस हो, एंड द फ्यूम्स, और फ्यूम्स को भी वो सप्रेस करता है, उसको रोकता है, उसे प्रिवेंट करता है। दैट आर ए पार्ट ऑफ द शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग SMAW प्रोसेस। तो ये आपका जो आपका है वो आप एक तरह का शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग यानी वहां पर एक शील्डिंग प्रोवाइड कर देता है। तो वो शील्डिंग किसके थ्रू प्रोवाइड होगा, वो फ्लक्स के थिक लेयर के थ्रू प्रोवाइड होगा। तो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल था जिसके थ्रू एक सबमर्ज आर्क वेल्डिंग आपका इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम से और भी क्लियर हो जाएगा कि आपका ये डायग्राम है जिसमें आपका ये आपका फ्लक्स है। फ्लक्स के तौर पे हम लोग क्या यूज करते हैं, तो केमिकल कंपाउंड विच इंक्लूड लाइम सिलिका मैग्नीज ऑक्साइड कैल्शियम फ्लोराइड एंड अदर कंपोनेंट। तो ये आपका फ्लक्स हो गया। अब इसके अलावा जो वेल्डिंग वायर है, ये वायर है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, करंट फ्लो करवाएंगे। तो यहाँ पर ये हो गया। दूसरा है कि आपको आर्क प्रोड्यूस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड के जो आपका करंट सोर्स होगा उसका एक टर्मिनल इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ना पड़ेगा और एक टर्मिनल जो है आपका वर्कपीस के साथ जोड़ना पड़ेगा। तब तो दोनों में कॉन्टेक्ट में लाएंगे तब तो आर्क प्रोड्यूस होगा। अब इस फ्लक्स का क्या काम है, तो फ्लक्स का काम क्या है कि ये आपका मोल्टेन मेटल जब ये आपका पिघलेगा मेटल जो अपना लिक्विड अवस्था में आएगा तो ये जो फ्लक्स है यहाँ पर आ जाएगा और ये फ्लक्स एक शील्डिंग प्रोवाइड करेगा, शील्डिंग प्रोवाइड करेगा ताकि वो जो एटमॉस्फेरिक कॉन्टामिनेशन है उससे उसका सुरक्षा कवच प्रोवाइड कर सके। तो इस तरह से फ्लक्स का यहाँ एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है और वह जो है आर्क के साथ जो आर्क इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है उसके साथ सबमर्ज होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको सबमर्ज आर्क वेल्डिंग करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका बेस मेटल है जिस पर आपको वेल्डिंग करना होता है। आपका ये सोलिडिफाइड स्लैग है, स्लैग क्या हो गया, जो आपका बेकार का चीज है, ऑक्साइड वगैरह है, एटमोस्फेरिक कंटामिनेशन है, जिसको आप इजीली जो है हैमर से मार के उसको हटा सकते हैं, वो स्लैग हो जाता है, उसको हम लोग इजीली हटाएंगे। अब यहाँ पर वेल्ड पूल जहाँ पे आपका वेल्डिंग का प्रक्रिया हो रहा है वो वेल्ड पूल यहाँ पर कहलाएगा। आपका शील्डिंग एटमोस्फेयर यहाँ पर होगा, ये आपका जो आपका फ्लक्स है वो देखिए सबमर्ज है बिल्कुल, ये जहाँ पर पूरा वेल्डिंग की प्रक्रिया हो रहा है वहाँ पर, और ये यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, आर्क के थ्रू यहाँ जो मेटल है वो मेल्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपका बेसिक प्रोसेस है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। जो यहाँ पर देखिए कि जो आपका वेल्डिंग की प्रक्रिया है यहाँ पर, जैसे कि आपका आपको देखने को जैसे कैसे मिलता है, तो इस तरह से कोई बॉयलर का पार्ट्स है, प्रेशर वेसल्स है, तो इस तरह से हम लोग वहाँ पर ज्वाइंट करते हैं। तो देख सकते हैं ये जो आपका जो दिख रहा है ग्रेनुलर
आपका इसको फ्लक्स बोल सकते हैं, जो ये क्या है केमिकल कंपाउंड है जो स्लाइम सिलिका मैग्नीज ऑक्साइड कैल्शियम फ्लोराइड होता है। तो देखिए ये सबमर्ज हो रहा है, ये इस तरह से एक फ्लो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है कि फ्लक्स भी जा रहा है और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक आर्क भी यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है और इसके साथ साथ यहाँ वेल्डिंग की प्रक्रिया भी कंटिन्यू जारी है। तो ये आपका सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है। तो ठीक है, तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का बेसिक प्रिंसिपल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फ्लक्स यहाँ सबमर्ज करता है, यहाँ पर फ्लक्स का इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे और फ्लक्स के रूप में यहाँ पर लाइम सिलिका मैग्नीज ऑक्साइड कैल्शियम फ्लोराइड और अदर कंपाउंड जो है यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका सबमर्ज आर्क वेल्डिंग था। अब हम लोग इसके बात करेंगे कि इसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और इसका यूज हम लोग इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो देखिए यदि एडवांटेजेस की बात करें तो ये आपका एडवांटेज में क्या कह रहा है कि यह एक हाई डिपोजिट रेट होता है। देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या होगा मेटल का मेल्ट कर पाएंगे, तो यहाँ पर इसका जो प्रोसेस है वो हाई डिपोजिट रेट में होता है, ऑलमोस्ट 45 केजी पर आवर। यदि आपका मेटल 45 केजी है तो वो एक आवर में वो कम्प्लीटली आपका जो है डिपोज कर देगा, उसको मेल्ट कर देगा। ठीक है, और वेरी लिटिल वेल्डिंग फ्यूम इज सीन, बहुत ज्यादा इसमें धुआं वगैरह बहुत कम ही इसमें आपको उत्पन्न होता है, यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्यूम है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो ये एक तरह से एडवांटेजेस है इस वेल्डिंग का। दिस प्रोसेस इज अप्लीकेबल इंडोर एज वेल एज आउटडोर, देख सकते हैं आप बाहर या फिर अंदर किसी भी जगह पर इस प्रोसेस का हम लोग इजिली जो है यूज कर सकते हैं वेल्डिंग की प्रक्रिया करने में। नो प्रिपरेशन इज नीडेड, नो चांस ऑफ वेल्ड स्पैटर एज इट इज सबमर्ज इन फ्लक्स ब्लैंकेट, कहीं पर वेल्ड और ज्यादा दूसरे पार्ट्स में ना हो जाए इसका भी चांस बहुत कम होता है, जहां पर वेल्ड करना है वहीं पर वेल्ड होता है क्योंकि सबमर्ज होता है जो फ्लक्स ब्लैंकेट में जो है यह वेल्डिंग की प्रक्रिया क्या होता है सबमर्ज होता है। तो ये बात था एडवांटेज की, क्या क्या इसका लाभ है। डिसएडवांटेज की बात करें तो यह क्या है कि यह इसका जो हैंडलिंग है, हैंडलिंग करने का बात है तो उसको वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। टफ इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर देखिए आपको फ्लक्स भी सप्लाई करना होगा, आपको इलेक्ट्रिक आर्क भी उस जो आपका पैरामीटर्स है उस पैरामीटर्स में आपको सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज है कि इसका हैंडलिंग थोड़ा सा टफ हो जाता है। द एप्लीकेशन इज लिमिटेड टू स्ट्रेट सीम्स, अब जो आपका वेल्डिंग है वो वेल्डिंग क्या है एक स्ट्रेट लाइन में ही ये आपका बेहतर होता है। तो ये स्ट्रेट सीम्स एंड द पाइप्स वेसल, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है एक स्ट्रेट लाइन में ही देखिए यहाँ पर वेल्डिंग की प्रक्रिया हो रहा है। तो ये जो है ज्यादातर जो है स्ट्रेट सीम्स या फिर वेसल्स या फिर पाइप्स में इसका यूज हो सकता है। द फ्लक्स हैंडलिंग कैन बी टफ, अब जो है फ्लक्स है तो फ्लक्स का मात्रा कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए इसको कंट्रोलिंग करना हैंडलिंग करना ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में ये एक डिसएडवांटेज है। स्लैग रिमूवल इज नीडेड आफ्टर वेल्डिंग, देख सकते हैं यदि फ्लक्स यदि हम लोग फ्लक्स का यूज कर रहे हैं तो वहां पर स्लैग बनेगा ही बनेगा क्योंकि वो जो है बाहर का ऑक्साइड नाइट्रोजन उसको वो कवर करता है तो उससे वो एक स्लैग बना लेगा, तो उस स्लैग को हटाना आपको जरूरी हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में आपका स्लैग को हटाना जरूरी हो जाता है। तो ये आपका एक डिसएडवांटेज हुआ। अब इसका बात करते हैं एप्लीकेशन इंडस्ट्री में हम लोग इस वेल्डिंग का यूज कहाँ करते हैं। तो हम लोग करते हैं बॉयलर में, प्रेशर वेसल्स में, के ज्वाइनिंग में, ये सब जगह जब बहुत बहुत जो आपका स्ट्रक्चर सेफ हो गया जैसे कि अर्थ मूविंग इक्विपमेंट हो गया, पाइप्स हो गया, ये सभी के वेल्डिंग करने में हम लोग सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का यूज करते हैं। जबकि रेल रोड कंस्ट्रक्शन, लोकोमोटिव्स और शिप बिल्डिंग, बड़ा बड़ा जो जहाज है उसमें हम लोग इसका जो इसमें हम लोग वेल्डिंग करने में इस प्रक्रिया का यूज करते हैं। साथ ही जो है डिफरेंट मशीन पार्ट्स के रिपेयरिंग में भी इस वेल्डिंग प्रक्रिया का यूज करते हैं। तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से इसका डायग्राम बना के और इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SAW सबमर्ज आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं, सेकेंड है आपका
प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में। सो तो शॉर्ट फॉर्म में यदि आपको लिख के आएगा PAW, इसका मतलब आप समझेंगे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग क्या है, तो इसमें भी आपका आर्क के द्वारा ही वेल्डिंग हो रहा है, तो इसलिए हम लोग एक आर्क वेल्डिंग का प्रोसेस मान सकते हैं। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग क्या है, एक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है। तो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, तो इसमें क्या होता है, क्या यह इसका किस तरह का प्रोसेस है, तो यह एक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है जो कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग आप पढ़ चुके हैं, जिसको GTAW भी कहते हैं, तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के जैसा ही है। तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के रूप में क्या होता था, जो टंगस्टन था एज ए इलेक्ट्रोड काम करता था, तो यहाँ पर भी टंगस्टन एज ए इलेक्ट्रोड काम करेगा। तो जिसमें इन विच इलेक्ट्रिक आर्क इज फॉर्म, इलेक्ट्रिक आर्क फॉर्म होगा बिटवीन एन इलेक्ट्रोड, जनरली यूजुअली क्या होगा वो टंगस्टन एंड वर्क पीस, विद द हेल्प ऑफ हॉट आयोनाइज गैस नोन एज प्लाज्मा। बस यही एक डिफरेंट पॉइंट है जिसको इसको इस वेल्डिंग प्रोसेस को परिभाषित करता है, हेल्प ऑफ हॉट आयोनाइज गैस। तो यहाँ पर जब हॉट आयोनाइज गैस के कारण वर्क पीस और टंगस्टन के बीच जो आर्क प्रोड्यूस होता है, और उस हॉट आयोनाइज गैस के कारण क्या होगा कि वहां पर हीट का प्रोड्यूस इतना ज्यादा होगा कि जो मेटल है क्या वो मेल्ट करने लगता है। तो जो हॉट आयोनाइज गैस है इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। तो जब हम लोग गैस होता है, गैस में आप लोग जानते हैं, गैस मान लीजिए O2 है, ऑक्सीजन है, तो गैस में जानते हैं कि क्या होता है कि जो आपका एटम्स है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है। जो एटम्स होता है वो साधारणतः विद्युत उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इसमें प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है इक्वल होती है। लेकिन जब उसमें डिस्टर्बेंस हो जाए, अनइक्वल हो जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि आयन फॉर्म हो जाएगा, मतलब कि उसमें जो है चार्ज प्रोड्यूस हो गया, उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो गया। तो वही जब कोई गैस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अनबैलेंस हो जाता है तो वो आयन का फॉर्म हो जाता है, तो इसको हॉट आयोनाइज गैस बोलते हैं। ठीक है, अब उस हॉट आयोनाइज का नाम ही हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। तो इसी प्लाज्मा का यूज करते हैं हम लोग प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो जानते हैं इसमें क्या प्रोसेस है इसका, तो वर्किंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग में हम लोग देखते हैं क्या। When a sufficient amount of energy provided to any inert gas, inert gas आप जानते हैं, inert gas argon होता है, तो इस वैसा inert मतलब जो हुआ है साधारणता जो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है उसको हम लोग inert gas बोलते हैं। तो inert gas पे जब हम लोग sufficient amount of energy provide करते हैं तो sum of its electrons breaks from its nucleus, तो बहुत ज्यादा energy provide करने पर इसको inert gas में तो उसका इलेक्ट्रॉन ब्रेक कर जाता है और इसके न्यूक्लियस से, बट ट्रेवल विथ इट, बट वह उसी में ट्रेवल करता है न्यूक्लियस में ही। आफ्टर द इलेक्ट्रॉन्स लीव द एटम्स आर कन्वर्टेड इनटू हॉट आयोनाइज्ड स्टेट। यही तो हुआ, जब आपका इलेक्ट्रॉन आपका ब्रेक कर गया, टूट गया, लीव कर गया, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या थोड़ा अनबैलेंस हो गया, और बैलेंस हो गया तो इसके कारण वह जो है वो पूरा कंप्लीटली एटम्स क्या हो गया, हॉट आयोनाइज्ड हो गया, चार्ज हो गया। तो वह गैस कैसा हो गया, आयोनाइज्ड हो गया। आयोनाइज्ड हो गया मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर गया, भाग गया इलेक्ट्रॉन, तो उसमें चार्ज आ गया, तो वो हो गया, वो गैस हॉट आयोनाइज्ड स्टेट में चला गया। अब इस आयोनाइज्ड एटम जो है इसमें इतना ज्यादा हीट होता है जो कि हम लोग दो प्लेट्स को ज्वाइन करने में इसका यूज कर सकते हैं। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। बेसिक प्रिंसिपल आप समझ में आया होगा कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में कैसे काम करता है। तो उसमें जो प्लाज्मा होता है, यानी प्लाज्मा कैसे प्रोड्यूस होगा, तो इनर्ट गैस आप जानते हैं कि वैसा गैस जो कि साधारणतः जो है केमिकल रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, यदि उसमें हम लोग सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ब्रेक कर जाएगा और वह जो गैस है वो आयोनाइज्ड हो जाएगा, और जब वह आयोनाइज्ड हो जाएगा तो उसमें इतना ज्यादा एनर्जी और हीट आ जाएगा कि वह किसी भी प्लेट्स को ज्वाइन करने में यूज हो सकता है। द पावर सोर्स, अब हम लोग वो प्लाज्मा हम लोग प्रोड्यूस हो गया, अब क्या करना है कि अब आर्क प्रोड्यूस भी करना है, तो आर्क के लिए तो पावर सोर्स चाहिए। अब क्या कह रहा है कि द पावर सोर्स सप्लाई पावर विच प्रोड्यूस आर्क बिटवीन टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस। अब जो है आपको
आर्क प्रोड्यूस करना है। आर्क प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या होगा, पावर सोर्स करना पड़ेगा, पॉजिटिव और निगेटिव में आपको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, तब तो आर्क प्रोड्यूस होगा। तो पावर सोर्स में एक इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड के रूप में टंगस्टन लेते हैं, एक टर्मिनल को टंगस्टन में, एक टर्मिनल को वर्कपीस में कनेक्ट करेंगे। दिस आर्क इज यूज टू आयोनाइज गैस पार्टिकल। अब वह जो आर्क प्रोड्यूस होगा वह क्या करेगा, वो जो हम लोग आयोनाइज वाला गैस यानी जो हम लोग प्लाज्मा बनाए थे उसका यूज करेगा, और उसका यूज करेगा और वह जो है तो वह जो है कन्वर्ट ऑरिफिस गैसेस इनटू प्लाज्मा। अब उसको क्या करेगा, वो प्लाज्मा में कन्वर्ट कर देगा, वो आयोनाइज गैस जो है वो आर्क आर्क के संपर्क में आएगा और क्या करेगा, उसको प्लाज्मा का रूप बना देगा, प्लाज्मा में कन्वर्ट कर देगा। एंड दिस प्लाज्मा स्ट्राइक द वेल्डिंग पार्ट्स। अब वही प्लाज्मा क्या करता है कि जहां पर हम लोग वेल्डिंग की प्रक्रिया करेंगे वहां पर स्ट्राइक करेगा, वहां पर जाएगा और वह जो पीस है जहां पर वेल्ड करना है उसको फ्यूज कर देगा यानी मेल्ट कर देगा, और इस तरह से वेल्डिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होगा। तो ये आपका प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल था। द शील्डिंग गैसेस लाइक आर्गन इट एटसेट्रा सप्लाइड थ्रू आउटर नोजल विच शील्ड अराउंड द वेल्डिंग एरिया। ठीक है, जो आपका शील्डिंग गैसेस है या फिर ये आपका यहाँ पर है वो वहां उसको जो है वो बाहर से हम लोग सप्लाई करते हैं ताकि जो है वहाँ शील्डिंग प्रोवाइड किया जा सके। तो ये आपका बेसिक डायग्राम है, डायग्राम से बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे, डायग्राम को देख लीजिए एक बार कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग होता कैसा है, कैसे यह वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोगों को प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, चूंकि आर्क वेल्डिंग का यह प्रोसेस तो आर्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा, आर्क प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए, पावर सोर्स चाहिए। तो पावर सोर्स का एक टर्मिनल को हम लोग इलेक्ट्रोड में जोड़ दिए, एक टर्मिनल को वर्कपीस में जोड़ दिए। अब वह जो टर्मिनल है एक इलेक्ट्रोड होगा, वो इलेक्ट्रोड कैसा होगा, वो इलेक्ट्रोड यूजुअली टंगस्टन का होगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड जो दिख रहा है ये आपका क्या होगा, टंगस्टन का होगा। ठीक है, अब तो हम लोग इसके थ्रू जब वर्कपीस और इलेक्ट्रोड संपर्क में आएगा और हम लोग पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो आर्क तो प्रोड्यूस हो गया, आर्क तो हम लोग प्रोड्यूस कर दिया। अब हम लोग प्लाज्मा बनाना है, तो प्लाज्मा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इनर्ट गैस यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा। इनर्ट गैस के रूप में आर्गन को हम लोग गैस को इनर्ट कर दिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब इनर्ट गैस में हम लोग क्या करेगा, यह आर्क के संपर्क में आएगा, यानी यह जो इनर्ट गैस को जो एनर्जी चाहिए आयोनाइज होने के लिए वह आर्क इसको दे देगा। यानी यह क्या हो जाएगा, ये आपका जो इनर्ट गैस है वह क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो गया और आर्क भी उसको मिल गया। तो इसके कारण क्या हो गया, वह जो आयोनाइज गैस हो गया वो प्लाज्मा का रूप ले लिया, और वह प्लाज्मा जो है वो प्लाज्मा वर्कपीस में वो स्ट्राइक करेगा, मैंने वर्कपीस में जाएगा, और इस तरह से प्लाज्मा में इतना ज्यादा हीट होता है कि जो वर्कपीस है उस वर्कपीस को पिघला देगा, जहां पर वेल्ड करना है प्लेट में उस प्लेट को वेल्ड कर देगा। तो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा, इस डायग्राम को बार बार देखिएगा या प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सभी आप लोगों को बात समझ में आया होगा। तो जैसे यदि समझ में आता है इसको डायग्राम को प्रैक्टिस करिएगा, और कंसेप्ट यदि क्लियर होगा तो आप अपने लैंग्वेज में एग्जाम में लिख पाएंगे। तो ये जो है बहुत बड़ा बड़ा थ्योरी दिख रहा होगा, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, यदि आप उस चीज को पकड़ लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में कम शब्दों में या ज्यादा शब्दों में खुद अपने आपके हाथ में डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम में। जैसा आपका जितना मार्क्स का होगा उस मार्क्स के अकॉर्डिंग जितने शब्दों में कहेगा उसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो बेसिक क्या है कि उस टॉपिक को कंसेप्चुअल आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये आपका प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का प्रोसेस। अब इसमें एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में क्या क्या हो सकता है, तो देखिए ये एडवांटेज में ये होगा कि इसका स्पीड बहुत ज्यादा होगा। स्पीड क्यों ज्यादा होगा, तो देखिए जो प्लाज्मा बनेगा उसका जो है कैपेसिटी यानी उसका जो आपका हीट का जो होता है वो काफी ज्यादा हाई अमाउंट में होता है। तो इसका जो वेल्डिंग स्पीड होगा वो क्या होगा, हाई होगा। हाई एनर्जी अवेलेबल फॉर वेल्डिंग, इट कैन बी इजिली यूज टू वेल्ड हार्ड एंड थिक वर्कपीस। बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हार्ड या फिर जितना भी मोटा से मोटा आपका वर्कपीस हो उसको भी आप वेल्ड कर पाएंगे। लो पावर कंजप्शन फॉर सेम साइज वेल्ड के लिए जो है पावर का भी कंजप्शन उतना ही होगा। हाई इंटेंस आर और हाई पेनिट्रेशन रेट, हाई इंटेंसिटी होगा उसमें।
मोर स्टेबल आर्क प्रोड्यूस बाय पीएडब्ल्यू, जो स्टेबिलिटी होगा इस वेल्डिंग प्रोसेस में वो भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये आपका एडवांटेजेस है, क्या क्या इस प्रोसेस से हम लोगों का क्या क्या लाभ है वो। तो डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में क्या है कि स्पेशल प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड एज इंफ्रारेड। अब जो देखिए प्लाज्मा जब क्रिएट होगा तो उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जैसे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होगा, तो इसमें जो है इसके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन की भी आवश्यकता होगा, तो जो एक हानिकारक है ये वेल्डिंग प्रक्रिया में। हायर इक्विपमेंट कॉस्ट, बहुत ज्यादा प्लाज्मा है, इतना ज्यादा एनर्जी आपको देना पड़ेगा, आपको प्लाज्मा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो इसका इक्विपमेंट कॉस्ट भी क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। अब जैसा कि यदि प्लाज्मा है और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो आप एक स्किल्ड वर्कर को ही यह काम दे सकते हैं, अनस्किल्ड वर्कर को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो हाई स्किल लेबर रिक्वायर्ड है। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, जब आपका इक्विपमेंट बहुत ज्यादा कॉस्टली है तो मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। कैन वेल्ड अप टू 25 mm थिकनेस, तो 25 mm के जो है मोटाई तक इसमें हम लोग वेल्ड कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा मोटाई में बहुत ज्यादा बड़ा है, मोटा है। ठीक है, क्योंकि इसका जो है हीट जो है बहुत ज्यादा हाई है तो वेल्ड कर सकता है, तो इजीली जो है 25 mm थिकनेस को भी वेल्ड कर पाएगा। ऑपरेशन प्रोड्यूस ए हाई नॉइज और ऑर्डर ऑफ 100 dB। तो एक चीज इसमें डिसएडवांटेज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें नॉइज प्रोड्यूशन, जबकि कोई भी आप प्लाज्मा गैस प्लाज्मा प्रोड्यूस करेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस होता है, तो वह 100 dB के ये होता है, तो ये एक हानिकारक है। तो ऑपरेशन के दौरान एक हाईली नॉइज प्रोड्यूस होगा जो 100 dB क्या है, आपका एक तरह का जो आपका नॉइज है उसका यूनिट है, तो 100 dB के अप्रोक्स जो है हाई नॉइज प्रोड्यूस होता है, जो एक डिसएडवांटेज है इस वेल्डिंग प्रक्रिया में। एप्लीकेशन की बात करें तो कहाँ कहाँ यह यूज हो सकता है, कहाँ कहाँ इस वेल्डिंग प्रक्रिया को कर सकते हैं, तो फर्स्ट है कि यह मेरीन और शिप वगैरह में जो है उसमें आप लोग इसमें इसका यूज कर सकते हैं। एरोस्पेस इंडस्ट्री, हवाई जहाज वगैरह जो बनता है वहाँ पर आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। फूड स्टफ एंड केमिकल इंडस्ट्री में, मशीन एंड प्लांट कंस्ट्रक्शन में, ऑटोमोबाइल एंड रेलवे में, शिप कंस्ट्रक्शन में, एंड वेल्डिंग और कोटिंग ऑन द टर्बाइन ब्लेड में। तो काफ़ी जगह पर इसका यूज हम लोग जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिस चीज़ में हम लोग को रिक्वायरमेंट है इस तरह का, वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ के लिए सूटेबल है वहाँ पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात किए दो वेल्डिंग प्रक्रिया के बारे में, एक सबमर्ज आर्क वेल्डिंग जिसका आप लोग डायग्राम के साथ हम लोग समझे हैं इसको अच्छी तरह से, तो एक सबमर्ज आर्क वेल्डिंग SAW जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ये, और दूसरा टॉपिक था हमारा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, इसका डायग्राम भी आपका यहाँ पर है, इसको अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा तरह से ये दोनों टॉपिक समझ में आया होगा। तो यदि नहीं भी आया होगा मैं इस वीडियो का रिकॉर्ड यूट्यूब में दे दूंगा, वहाँ पर आप लोग से इसको रिकॉर्ड करके सुन पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी में। तो थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडी वेल, और यूट्यूब चैनल जैसा कि आपको पता है विद्या क्लास है, तो वहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी का यूट्यूब में डाल दीजिए।